नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। ये है अरबी के दंथल, इसको मैं फ्रॉक के साथ सब्जी बनाऊंगी। मैंने लिया है 500 ग्राम पोक अरबी के दंथल, जिसका सिल्के निकल के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। दो मीडियम साइज का प्याज, इसको भी मैंने काट लिया है। अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, नागा धनिया, जीरा पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। तो आइए शुरू करते हैं। कढ़ाई गरम हो चुका है, अभी हम इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अभी हम प्याज डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे, प्याज का कलर चेंज हो गया है, अभी पोक डालेंगे। अच्छी तरह से समझ लाएंगे। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हल्दी पाउडर, यह है जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और अच्छी तरह से चम्मच चला के सारे मसाले को मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा ड्राई हो गया है। अभी हम इसमें अरबी का दंथल डाल देंगे। अरबी के दंथल से काफ़ी पानी निकलता है, तो हम इसके पानी से ही थोड़ा पकाएंगे 10 मिनट या 15 मिनट तक। पानी नहीं लेंगे क्योंकि वो अरबी के दंथल से पानी निकल रहा है, तो हम इससे ही थोड़ा पकाएंगे। मीडियम फ्लेम में रखेंगे गैस को।
निकल चुका है, तो हम अभी इसमें एक ग्लास गुनगुना पानी डालेंगे। अच्छी तरह से पकाएंगे। देखिए अरबी का दंथल पूरी तरह से गल चुका है, तो भी नरम हो गया है। अभी डालेंगे नवा धनिया। पूरी तरह से पक चुका है। वैसे बनाना सबको भी आता है, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। मैंने भी अपने तरीके से बनाया है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।